बिहार में इन दिनों सियासी बवाल चरम पर है। बीजेपी जेडीयू में तनातनी चरम पर तो है ही, जेडीयू और आरजेडी के बीच भी फ्रेंडली फाइट हो जा रही है। सीएम और पीएम की लड़ाई में सारी पॉलिटिक्स गड्ढमड्ढ हो रही है। आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम बनाने को बेताब है, तो जगदा बाबू तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को बेचैन है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम पीएम पद के दौर में फिलहाल नहीं है, जबकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि 2023 में तेजस्वी को नीतीश कुमार सीएम बना दे। इस पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उन पर फ्रेंडली तीर चला रहे हैं। मामला तोड़ पकड़ा तो तेजस्वी यादव सामने आकर कह रहे हैं कि हमें अभी सीएम बनने की कोई लालसा नहीं है। उन सियासी बयानबाजी को सुनकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी चकरा रहे हैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, वे किंतु परंतु के चक्कर में फंसे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिहार की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहीं यहाँ की धरती पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला तो नहीं बन रही। दरअसल 1974 में ये धरती पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला बन चुकी है। तब इंदिरा गांधी की सत्ता को बिहार ने उखाड़ फेंका था। उस समय इंदिरा गांधी का मतलब था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। इसके बाद भी जब बिहार ने क्रांति का बिगुल बजाया तो पूरे देश में उसकी रणभेरी एक साथ बज उठी। फिर तो जो नहीं होना था वो हो गया, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया। 1974 में इस आंदोलन की अगुवाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की थी। उसी महामानव की 11 अक्टूबर को जयंती है। आज 1 अक्टूबर है, यानी अगले पखवारे एक बार फिर बिहार की धरती पर सियासी धमाल मचने वाला है। जेपी की जन्मभूमि सिताबदियारा में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है और उस कार्यक्रम में बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह शामिल होने वाले हैं। अमित शाह का ये महज 20 दिनों के भीतर दूसरा बिहार दौरा होगा और ये साल का उनका चौथा बिहार दौरा। खास बात ये कि जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए हैं तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल ही चुप हैं। उन्होंने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, जबकि बीजेपी की सरकार पलटने के बाद अमित शाह का सीमांचल दौरा हुआ था और उन्होंने लालू यादव के साथ ही नीतीश कुमार पर भी खूब भड़ास निकाली थी। इस बार भी उम्मीद ये की जा रही है कि अमित शाह उससे ज्यादा तो नहीं ही बरसेंगे। वे अधिक से अधिक लालू यादव के खिलाफ जंगल राज और नीतीश कुमार पर धोखेबाज का आरोप लगाएंगे। जबकि सीमांचल दौरे पर अमित शाह अपने भाषण में तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने से बचते नजर आ रहे थे। पूर्णिया में लगभग 31 मिनट के भाषण में एक बार भी उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ भाषण नहीं दिया। उन्होंने दूसरे दिन किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव पर कुछ बातें कही थी, लेकिन वे बहुत अधिक नहीं बोले थे। इसे लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी के बाद तेजस्वी यादव की ही लोकप्रियता है और तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट कोई बड़ा आरोप नहीं है। IRCTC का एक आरोप है, वो भी लालू यादव के जरिए। और आपको पता ही होगा कि पिछले पखवारे ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि IRCTC मामला पूरी तरह अमित शाह की साजिश है। इसी साजिश के तहत नीतीश कुमार पर डोरा डाला गया था। इधर नीतीश कुमार पूरी तरह नरेंद्र मोदी के खिलाफ कमान संभाल चुके हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार वे आर पार के मूड में इस बार हैं। दरअसल नीतीश कुमार इस बार दोबारा महागठबंधन में शामिल हुए हैं और कुछ सोच समझ कर ही लालू यादव से उन्होंने हाथ मिलाया है। और ये सब जानते हैं कि नीतीश कुमार का कोई भी कदम फालतू नहीं होता और ना ही वे फालतू में कोई सियासी चाल चलते हैं। इस बार उनके निशाने पर सीधे केंद्र की सत्ता है। खुद नीतीश कुमार महागठबंधन में आने के बाद अपने पहले भाषण में कह चुके हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में 2014 वाले तो नहीं ही आएंगे, जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पहले PC में कहा था कि केंद्र की बीजेपी सरकार को गिराने में कितनी देर लगेगी। उन्होंने सांसदों का आंकड़ा समझाते हुए कहा कि देश में बीजेपी की वर्तमान में 303 सांसद हैं, जबकि सत्ता के लिए 272 चाहिए। इस हिसाब से महज 30 से 31 सांसद अधिक हैं, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बीजेपी के 40 से अधिक सांसद हैं। और अब जो समीकरण बन रहा है उससे आपको लगता है कि बीजेपी इन तीनों राज्यों में 2019 की तरह जीत जाएगी? 2024 के चुनाव में इसी आंकड़े के नीचे आने में कितनी देर लगी थी? इतना ही नहीं, ललन सिंह अब डेटा क्रैंची के आंकड़े भी समझा रहे हैं कि 2014 में जब जेडीयू अलग से चुनाव लड़ रहा था तब बीजेपी के सांसद कितने वोट से जीते थे और अब जेडीयू महागठबंधन में है। इसके साथ ही वामदल और उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन में है। अब सोच लीजिए कि कैसे 2024 में बीजेपी पार पाएगी। नीतीश कुमार भी कई दफे कह चुके हैं कि यदि विपक्ष एकजुट हो जाए तो देखिएगा 2024 का रिजल्ट क्या होगा।
तब बीजेपी बुरी तरह हारेगी, लेकिन इसके लिए विपक्ष के साथ कांग्रेस और वाम दलों को भी एक साथ आना होगा। दरअसल नीतीश कुमार ने इस बार वाला प्रयोग सबसे पहले साल 2015 में किया था, जिसे महागठबंधन नाम दिया गया था। तब महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस भी शामिल थी। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ उतरे थे। तब महागठबंधन को 243 में से 178 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 58 सीटों पर ही सिमट कर रह गया था। महागठबंधन को 41.9% वोट मिले थे, तो वहीं एनडीए को 34.1% आए थे। लेकिन अब साल 2022 है, असली लड़ाई 2024 में होगी। उसी के लिए दो साल पहले से ही मैदान सजने लगा है। नीतीश कुमार ने इस साल दोबारा उसी महागठबंधन को अपने लिए सेफ साइड चुना है। अगर ये गठबंधन 2024 तक चलता है तो बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार का साथ ना होना उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बन जाएगा। नीतीश कुमार को अच्छे से पता था कि इस बार यदि बीजेपी के चुंगल से वे नहीं निकले तो बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी ऑपरेशन लोटस चला देगा। इसे भांपते हुए नीतीश कुमार ने ही बड़ा खेला कर दिया और बीजेपी इसमें पटखनिया खा गई। महागठबंधन में आकर नीतीश कुमार खुद को बिहार की राजनीति में प्रासंगिक भी रख पा रहे हैं, साथ ही बिहार के बाहर विपक्ष की राजनीति में अपने लिए नए रोल की तलाश में भी आ गए हैं। और कांग्रेस को यदि छोड़ दिया जाए तो हवा तो नीतीश कुमार की तरह बहने भी लगी है। बहरहाल जगदा बाबू की हड़बड़ी तो आरजेडी की अंदरूनी चाल को गड़बड़ कर रही है, जो कि स्वास्थ्य पॉलिटिक्स के लिए कहीं से भी सही नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि जगदानंद सिंह ही नहीं बल्कि शिवानंद तिवारी समेत अन्य नेताओं को थोड़ा मुंह बंद रखने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस नए सियासी प्रयोग में आरजेडी और जेडीयू को ही घाटा है। बीजेपी फिर तो बल्ले बल्ले ही करेगी, और नरेंद्र मोदी हों या फिर अमित शाह, यही तो चाह रहे हैं। बाकी के काम सुशील कुमार मोदी पूरा कर रहे हैं, हर जवाब देने के लिए वो फ्रंट लाइन से बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट यही कहते हैं कि बिहार में हो रहे नए प्रयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम होने वाले हैं। हालांकि बीजेपी की जीत और हार के लिए अभी से कोई भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है अलग अलग राज्यों की छोटी राजनीतिक पार्टियां बाद में बीजेपी को सपोर्ट कर दें, लेकिन साल 2024 में केंद्र में गैर बीजेपी सरकार बनने की सूरत में बिहार का यह प्रयोग महत्वपूर्ण होगा, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका भी अहम होगी और कांग्रेस की भी। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।